गाइस, गुड मॉर्निंग, बड़ों को नमस्ते, इन पहला छोटू को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही, और अभी 7:30 बज रहा है। और जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं योग करूँगी अब से, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा योग कर लिया जाए। मम्मी पापा तो कब के उठ गए थे, तो मैं बाहर आई थी। बाहर बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, अभी देखो 7:30 बज रहा है, इतनी धूप है अभी यहाँ पे। मम्मी पापा का योगा हो चुका है, मैं उठ के आई, यहाँ पे पापा नहीं हैं अभी। पापा जा चुके हैं शॉप पे दूध और फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह लेने, और मम्मी हमारी क्या कर रही है, मम्मी है किचन में लगी हुई है रोज की तरह। मम्मी ने पकड़ा है सफाई का काम, तो लगी हुई है कहाँ ऊपर चढ़ के कहाँ सफाई कर रही है। देखो तो मम्मी के अंदर जो है सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा है, तो उनको सफाई बहुत चाहिए हर जगह। थोड़ा सा योगा कर लेते, ठीक है? तो चलो हो गया मेरा योगा। आज मैंने थोड़े से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से नहीं करना चाहिए बहुत सारा। और पापा आ गए हैं शॉप से, देखो पापा ले आए सब सामान सुबह का जो भी है, अरे न्यूज़पेपर। हाँ, योग करने के बाद मॉर्निंग वॉक। हाँ, पहले मॉर्निंग वॉक, फिर कितने बजे उठे? 2-2.5 किलोमीटर। कितने बजे उठे? 5 बजे चला गया था। 5 बजे? हाँ। और फिर 2.5 किलोमीटर चले। हाँ, जो यो क्या योगा होगा। हाँ, और अब न्यूज़पेपर का भी डेली का है। पापा ले आए हैं दूध ऐसे इसमें, अब मम्मी कर रही है यहाँ पे दूध गरम। चाय वाय पी ले, फिर मिलते हैं। और दीवी हमारी अभी तक सो रही है। देखिए दीवू उठ चुकी है, देखो आई, ये क्या कर रही, अभी अभी उठी है ये, और इसने सीधे दूध मांगा। देखो इसका पैर लगा रही मम्मा पे, ये देखो। और मैं कर रही थी एडिटिंग जब तक दीवी सोई थी, और मेरी एडिटिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है, तो टाइम से ब्लॉग आ भी जाएगा। देखो दीवी जो है पैर दिखाने में अपने सब डांट रहे तुमको। हाँ, तुम्हें डांटा, देखो एक्टर है ये। स्मॉल बेबी हो, कपम हो गया। तुम स्मॉल बेबी हो, कपम हो गया। देखो खत्म को बोलते कपम, क्या हो गया? कपन कतन कपन कपन है कपन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दीवी के लिए ब्रेकफास्ट। देखो दीवू का ऑमलेट बन रहा है यहाँ पे, और मैं खाऊंगी कॉर्नफ्लेक्स। तो मेरा दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ पे रख दिया मैंने कॉर्नफ्लेक्स के लिए बोल। तो जो है मम्मी पापा ने तो खा लिया है। ये रहा मेरा कॉर्नफ्लेक्स और दीवी का ऑमलेट, थोड़ा टूट गया है, कोई बात नहीं। मम्मा, गाइस हमारी दीवू एकदम रेडी हो गई है नहा धो के। जब मैंने देखा ना यहाँ पे दीवू कपड़े फोल्ड कर रही है, मैंने सोचा क्यों ना यार ये क्लिप तो लेनी चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। देखो मतलब कितने बड़ों की तरह वो कपड़े फोल्ड कर रही है, और बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते, मैं भी शॉक्ड थी ये देख के। ये देखो एक एक करके रख के आएगी। आपको बताऊँ ये है वॉश करने वाले कपड़े। दीवू किसने बताया आपको ये फोल्ड करना बेटा, कहाँ से सीखा आपने? नानी से। ये देखो मैं दीवू ने यहाँ पे फोल्ड करके सारे कपड़े रख लिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ले जाती हूँ इनको वॉश करने। ओह रोक रही है, देखो उसने मुझे रोक दिया है। ये देखो दीवी, देखो मम्मा का है। ये देखो मम्मा जब कॉलेज पढ़ती थी ना, नानी के जुगाड़ पेन लगा के बिठा रखा है, लेकिन अगर मेरे दोस्त लोग मेरे व्लॉग देखते हैं ना, तो उनको समझ आ गया होगा ये कौन है। क्योंकि दीवी मेरी फ्रेंड्स ने दिया था मुझे गिफ्ट में मेरे बर्थडे पे, तो इसका नाम होता था हीरो। क्या होता था दीवी? हीरो। तो हीरो था, लेकिन पहले की यादें ही कुछ और हैं, लेकिन आज तक संभाल के रखा है मैंने। दीवू क्या कर रही? अब दीवू प्ले करने लग गई। मम्मा मैं गार्डन बना रही हूं। क्या बना रही हो? गार्डन। क्या है ये गार्डन?
अब ऐसा गार्डन कहाँ देखा आपने? देखो भाई, दीवू का गार्डन। नानी ने सन, ये देखो दीवू दिखा रही है, यहाँ पे सन है। वो मामी ने लगाया। वो मामी ने क्यों लगाया? क्योंकि वो अच्छा लग रहा है वॉल पे। वो भी नहीं आता मुझे। अच्छा नहीं लगा आपको? लेकिन तनु दीदा को तो अच्छा लगा, मामी को भी अच्छा लगा। क्यों इतना अच्छा तो लग रहा है? आपको कौन सा अच्छा लगा? वो वाला अच्छा लगा, उधर वाला? इसको ये अच्छा लगा। देखो ये भाभी ने लगा रखे हैं वॉल स्टिकर्स। ये भी मामी ने लगाया, ये भी मामी ने लगाया। यस ना? हाँ। ये मैं मुझे मिलेगी। अबे मेरा नान दादी का गाने को ओके। आप लोगों से मिल रही हूँ 2 बजे और अभी हम कर रहे हैं लंच, जो है मेरी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, व्लॉग जा चुका है। अभी देखो ये मेरा लंच लग चुका है। आज बना है मम्मी ने काले चने, चावल और गेहूं और मडवे की मिक्स रोटी है। मम्मी भी खा रही है देखो यहाँ पे। पापा और दीवी चले गए, लंच एंजॉय कर लेते और फिर मिलते हैं आप लोग। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम लोग लंच वंच करके अभी ना हम थोड़ी देर के लिए जानकी दी के यहाँ जा रहे हैं। अभी मैंने जानकी दी से मिलवाया था ना बर्थडे पार्टी वाले में। पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं। दीवी देखो, दीवी रेडी हो गई। चल दीवो, नानू वेट कर रहे हैं। पापा गाड़ी चला रहे हैं। चल दिए हम लोग। गर्म हो रही है तो अभी ठंडी लग जाएगी। मम्मी आगे बैठ गई है, पापा हमें छोड़ के वापस आ जाएंगे, यहीं पर है पास में ही। गाइस चल दिए हम। ये दीवी बैठी है देखो। दीवी कह रही मुझे नानी साथ जाना है आगे, पर मैंने बोला मम्मा के साथ कौन बैठेगा? आप नहीं बैठोगी मम्मा साथ? नहीं, मामी बैठेगा। मामी, मामी यहाँ कहाँ है? दीवी अच्छा टुकू को हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे टुकू। हैप्पी बर्थडे टुकू। आज इसकी फ्रेंड का बर्थडे है, 22 जून है, लेकिन आज हम यहाँ पे हैं। कोई बात नहीं, हम वहाँ जाके मिल लेंगे। अनकी दी ने कपड़े भी मंगाए थे, वो भी देने जाने थे, तो मिलना भी हो जाता है, मिल भी आएंगे। लोग पहुँचने ही वाले हैं। और ये देखो, ये सूट भाभी का है, हम दोनों का साइज ना सेम है, तो फायदा हो जाता है साइज सेम होने का, क्योंकि मुझे फिर ज्यादा कपड़े नहीं लाने पड़ते। भाभी के ही आ जाते हैं, ऐसे चेंज करके पहन लेते हैं। बढ़िया है ना, बढ़िया ना। एक ही दीवी कपड़े लाने पड़ते हैं बस। बस हम पहुंच ही गए हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे गली में, तो पापा चले गए वापस। जानकी दी के बच्चों के लिए कुछ कुछ ले लेते हैं यहाँ पर से, चिप्स वगैरह। ये रही तारा दी की शॉप। अभी वो लंच के लिए घर गई है, बाद में हम लोग आएंगे यहाँ पे। पहुंच गए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे जानकी दी के घर पे। मिलिए जानकी दी से, उस दिन पार्टी में हम ढंग से मिल नहीं पाए, भीड़ भाड़ थी बहुत, तो आज हम आए हैं। ये मिलिए हमारी जानकी दी से। हाय, बड़ों को पहला गए नमस्ते, छोटों को बहुत सारा प्यार। जानकी दी देखने लगी आते यहाँ पे कपड़े। दीप्ति से मैंने साड़ी मंगाई थी, बहुत सुंदर है। फोटो में देख के इन्होंने पसंद करी थी। मैंने फोटो में देख के करी थी, तो बोला था लेके आ जाना। तो और एक कुर्ती है, ये देखो इसका कलर बहुत सुंदर है। ये कुर्ती मंगाई थी। छोटा बेटा गोगी, हाय बोलो। गोगी है ये, हाय बोलो। हाय करो, हाय, नमस्ते बोलो। नमस्ते करो सबको, नमस्ते। ये दक्ष, ये बड़ा बेटा, नमस्ते बोलो। नमस्ते, हाय। दक्ष आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। बुआ का ब्लॉग कैसा लगता है? हम देखते हो ना बुआ का, बताओ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और मैं रोज देखती हूं। जानकी दी आपके ब्लॉग कैसे लगते हैं हमारे? बहुत अच्छे ब्लॉग लगते हैं। बोर तो नहीं होते ना? नहीं, बोर नहीं होते, बहुत अच्छे ब्लॉग होते हैं। तो आप लोग सब लोग देखिए और दीप्ति के ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। यस। और जानकी दी ना पहले हमारे यहाँ रेंट पे रहती थी, हमने अपना घर बना लिया है, तो तब से ही हमारा कनेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम जरूर मिलने आते हैं, ये भी आती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक हम थोड़ी गप्पे शप्पे मार ले। लक्ष क्या लेकर आया ये? अरे वाह यार, ये डॉगी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत असली, बिल्कुल गजब लग रहे हैं। ये डॉग तो मुझे बहुत पसंद आए। दीदी हम ले जाए इसको, इसको हम ले जाए बड़े वाले को। नहीं नहीं दे दे यार हमको। ये भी आपको पसंद आ रहा है? ये डॉगी, ये पपी है, काटता है, दिखा कैसे काटता है भाई। ओ हमें तो डर लग रहा भाई। ये
दीवू बैठ गई है दक्ष की डॉगी में, अभी अभी जो है डांटेगा फिर दक्ष, इसकी पिटाई करेगा। ये देखो, ये देखो चीता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? लेपर्ड है ये। कैमल है ये, दिखाओ। टाइगर, जंगल का राजा शेर, राइनोसॉरस। ये राइनोसॉरस है दीवू। योगा मास्टर गोगी, देखो गोगी। ओ बाप रे, ओ पापा, ये देखो। हाँ दीपू, गुड दीपू कर रही यार, बड़ा अच्छा। क्या हुआ ना, उसके बाद मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई जानकी दी का। अभी हम लोग 8 बज चुका है, हम लोग अभी अभी घर आए हैं। वहाँ पे मतलब गप्पे मारने लगे थे, सब बैठ गए थे और सब लोग आ गए थे वहाँ पे। तारा दी, नंदी दी, सब लोग जितने भी आपको बर्थडे पार्टी में मिले थे ना, सब लोग आ गए थे। बच्चे भी हो गए थे सब, भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खेली। तो दीवी थक चुकी है, दीवी जैसे ही घर आई उसने दूध मांगा और वो सो चुकी है। देखो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में और हम तीनों बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। क्या बनेगा डिनर में अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। क्या खाओगे पापा आप? मेरे को अंडे की भुजिया बन जाएगी। हाँ रोटी हो जाएगी। हाँ। सब्जी आएगी। ठीक है, अच्छा अंडे की भुजिया खा लोगे ना, ये शॉर्टकट ठीक है। अब करते हैं डिनर की तैयारी, तो यहीं पर हम व्लॉग को एंड करेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग पसंद आते तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखना। तो चलिए बाय।